पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपको जागरण के अखबार के आर्टिकल के माध्यम से भी बता दें कि देखिए यहाँ पर लिखा है कि सम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी जल्द शुरू होंगी। यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर वाले बच्चों की, है ना, तो इनकी बात कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी लिखा है यहाँ पर कि बैठक में सम सेमेस्टर की परीक्षाओं के संबंध में भी चर्चा की गई। जो अभी आपकी ईयरली एग्जाम की मीटिंग हुई है, उसी मीटिंग की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर आप लोगों के लिए भी डिस्कशन हुआ और वहाँ पर ये तय किया गया कि ये परीक्षाएं नई शिक्षा नीति के तहत आयोजित की जाएंगी। प्रश्न पत्र का प्रारूप ऑब्जेक्टिव होगा और जल्द कार्यक्रम भी जारी किया जाएगा। यानी कि प्रश्न पत्र का प्रारूप इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है कि ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ऐसा ही आपने अभी एक न्यूज़ आर्टिकल देखा हिंदुस्तान के आर्टिकल के माध्यम से, उसमें भी यही लिखा था, है ना। तो अब आप ये क्वेश्चन बार बार नहीं करिए कि मैम पेपर सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा। फिलहाल तो ऑब्जेक्टिव की न्यूज़ है, तो ऑब्जेक्टिव ही होगा। और यदि इसके संबंधित में कोई ऐसी न्यूज़ आती है कि भाई यहाँ सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंबाइन होगा, तो वो हम आप तक ज़रूर प्रेषित करेंगे अगर जैसे ही जानकारी आती है। फिलहाल अगर दैनिक जागरण और हिंदुस्तान में ये बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं आप इसे सही मान सकते हैं। और रही बात ऑफिशियली की, तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में देख चुके हैं कि अंत तक आप इंतज़ार करते रहते ऑफिशियली MCQs और सब्जेक्टिव को लेकर के कोई भी न्यूज़ यूनिवर्सिटी ने जारी नहीं की थी। जब उनका परीक्षा पैटर्न यानी कि स्कीम आ गई थी जब, तब फाइनली पता चला था कि हाँ 1.5 घंटे का पेपर होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा। तो यानी कि आप ऑफिशियल के चक्कर में नहीं बैठिएगा। ऑफिशियली अगर कुछ आता है ऐसा कुछ, तो हम आप तक ज़रूर प्रेषित करेंगे, है ना, न्यूज़ लेटर या कुछ भी उसके माध्यम से। फिलहाल आप ये देख लीजिए, जागरण, दैनिक जागरण की न्यूज़ भी यही है। तो एक बार आप इस चीज़ पे विश्वास करिए। और अगर आपको सम सेमेस्टर की तैयारी करनी है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोड में, तो पहले तो आपको सब्जेक्टिव मोड पढ़ना पड़ेगा भाई। तब आप स्टोरी पढ़ोगे, तभी तो आप चीज़ों को आगे कवर अप कर पाओगे। तो इसलिए आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी चैनल यानी पीजी पॉइंट के नाम से ऐप इंस्टॉल कर लेना। वहाँ पर हम आपको बहुत जल्दी सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अगर आपने अपने पेपर 4 में EVS ले रखा है यानी पर्यावरण अध्ययन ले रखा है सेकेंड सेमेस्टर में, तो आपकी क्लासेस शाम को 4 बजे इसी चैनल पर रोज़ चल रही हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट आपकी उसके सिलेबस की भी बनी हुई है। यदि कोई दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और बहुत बच्चे बार बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित बातें पूछा करते हैं, मैं सबको कैसे जवाब दूं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो आपका देखिए आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से चेकआउट करिए, आपको अपना भी कॉम्बिनेशन वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो ये थी एक छोटी सी जानकारी। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही आपको आगे चल के पढ़ाई करनी है। तो अभी जो भी चीज़ें आप लीजिए वो अभी मत खरीदिए, जैसे ईजी नोट्स वगैरह या थ्योरेटिकल चीज़ें। अगर आपको पढ़ना है तो फिर ऑब्जेक्टिव से ही चीज़ें लीजिएगा, है ना। ये हमारी आपके लिए एक राय है। बाकी हम मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। और बाकी हम आपको सब्जेक्टिव तो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।